देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। बढ़ोतरी है लेकिन मामूली है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आरटीपीसीआर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवश्यक है ताकि नए केसेस की पहचान तुरंत हो सके। सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही कहां हो रही है? क्या सरकारों के पास दूसरी लहर से बचाव का कोई प्लान नहीं है, या लोग खुद लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं? देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया है, जिनमें से महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे बुरा हाल है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब महाराष्ट्र सरकार के पास लॉकडाउन का ही रास्ता बचा है? महाराष्ट्र सरकार हालात बिगड़ने की स्थिति में लॉकडाउन का रोड मैप बना रही है, लेकिन लॉकडाउन के सवाल पर वहां सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि राज्य में लॉकडाउन लगा तो वो उसका विरोध करेगी। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूँ वर्तमान में बहुत आवश्यक है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में लगातार दबे पांव कोरोना बढ़ रहा है। एक हफ्ते से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और अब 2000 के आंकड़े के करीब है। खतरा बढ़ा है, लेकिन मुंबई की तरह दिल्ली भी लापरवाही दिख रही है। मानो जैसे लोगों ने ये मान लिया हो कि कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी ये लापरवाही हमें एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ धकेल सकती है।